आवाज अपने औरंगाबाद की। इस जलसे के सदर अली जनाब डॉक्टर अफ़ार कादरी साहब, स्टेज पे बैठे तमाम ही मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, वो कारपोरेटर्स, अजीज तरीन साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप आजाद चौक से किराड़पुरे को जो है एक दुल्हन की शक्ल के अंदर देख रहे हैं। जब आप आपके घर में नई नवेली दुल्हन को लाते हैं तो आपके घर के सामने लैटरिन लगी हुई होती है। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को आपने 2014 और 2015 में जो दूल्हा बनाया था वो दुल्हन का नजारा आज आप देख रहे हैं। इस हम भी कारपोरेटर से हमने भी बहुत लाइट लगा, लेकिन ये जो नजारा आप नजर देख रहे हैं, आप देखिए, आप ये कोने से लेके वो कोने तक का नजारा देख रही। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने जो भरोसा आप लोगों ने मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पे किया था उस भरोसे को पूरा करने के लिए की जो जद्दोजहद थी वो जो है अपने आखिरी मरहले के अंदर। हो सकता है कुछ लोगों को हमारे कारपोरेटर से शिकायत भी हो, लेकिन 100% आज तक कोई भी नहीं कर सकता, 100% 100% आपको कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने ये पूरी कोशिश की कि आपके पास अच्छे रोड्स हो तो अल्लाह के करम से अच्छे रोड्स आपको नजर आ रहे हैं, आपके पास लाइट का निजाम अच्छा हो तो आपके पास लाइट का निजाम अच्छा हो रहा है, आज दिख रहा है, आपके पास ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा हो, ये भी कुछ जगह कुछ शिकायतें हो सकती, लेकिन बारिश में ड्रेनेज के चौकअप ज्यादा हो जाते हैं, वहां वो भी निजाम जो है नई लाइन का हुआ है, पानी की लाइन, आज पानी नहीं मिल रहा हमको, हमको ये बात का एहसास है कि आज हम आठ दिन पांच दिन तक आपको पानी नहीं पहुंचा रहे, लेकिन ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के कारपोरेटर पूरी ताकत से इसके ऊपर लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ रहे, लेकिन ये जो घोड़े वाला सोहेल साहब ने जिक्र किया था, घोड़े वाला नंदू घोड़े वाला, उसकी गलत पॉलिसी की वजह से, शिवसेना की गलत लीडरशिप की वजह से, बीजेपी की गलत लीडरशिप की वजह से, शिवसेना और बीजेपी के नाअहल होने की वजह से, इस 10 साल पहले 5 साल पहले जो सत्ता में कांग्रेस एनसीपी की, इनके नाअहल लीडरशिप की वजह से आज औरंगाबाद शहर पानी को तरस रहा है। ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का कारनामा, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो सत्ता में पहले कांग्रेस और एनसीपी थी, उसके बाद बीजेपी और शिवसेना आई, लेकिन वो शहर को पानी देने में नाकाम रही। लेकिन अजीज तरीन साथियों, पानी नहीं पिला रहे हैं, लेकिन हमारे हक का जो पानी चोरी कर रहा है उस चोर को पकड़ा भी नहीं रहे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो पश्चिम महाराष्ट्र से जो पानी चल के आता है जो नदी से, तो वो जायकवाड़ी के अंदर इतने एमएलडी पानी होना चाहिए, ये जो हमारा हक है वो पानी हमको मिल नहीं रहा, इसलिए कि नगर जिले की लीडरशिप ने दो इलीगल डैम बना चुके हैं, और वो इलीगल डैम जब भरते हैं तो फिर औरंगाबाद शहर को पानी मिलता है, औरंगाबाद शहर का पानी रोक नहीं सकता उसूली तौर से, कानूनी तौर से कोई, लेकिन
ये चंद्रकांत खेरे जो बेचारे अब रोते फिर रहे हैं, उन्होंने कभी कोशिश नहीं। क्या औरंगाबाद शहर का पानी जो निवासी के ऊपर और नगर के ऊपर रोक दिया जा रहा है उसको लेके आए, क्योंकि वहां की ताकतवर लीडरशिप इनको खामोश बिठा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो कारनामा अंजाम करके बताया है, जो सियासी इत्तेहाद का मुजाहरा करके बताया है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के दिया है, पहली ही सभा में औरंगाबाद शहर के पानी का मसला उठ गया। कहां था चंद्रकांत खेरे, इतने दिनों से कहां था चंद्रकांत खेरे, उठ गया है। और हम असेंबली का इलेक्शन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो असेंबली का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, हम औरंगाबाद शहर की अवाम से वादा करते हैं कि ये जो पानी हमारा रोका जा रहा है, हमारे को पानी को तरसाया जा रहा है, ये पानी पूरे हक के साथ हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वंचित बहुजन अघाड़ी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और कोई तफरीक नहीं, इसमें कोई तफरीक नहीं होगी। इसमें यह नहीं होगा कि मुसलमान एरिया को पानी ज्यादा दिया जाए, दलितों को कम दिया जाए, हिंदुओं को कम दिया जाए। कुर्सियों के ऊपर बैठे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कि हमारे एरिया में 3 दिन पानी और हमारे एरिया में 10 दिन पानी। ये जो जहनियत है, ये जहनियत को आपने 2014 में पटकी दी, यही जहनियत को आपने 2015 में कारपोरेशन में पटकी दी, और यही जहनियत को आपने 19 में पटकी दी, और इंशाल्लाह यही जहनियत को अभी आने वाले 19 के अंदर फिट पटकी दी। ये जो अज़्म आपने कर चुके हैं ये काबिले तारीफ है। हैदराबाद के बाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की अगर कोई बड़ी ताकत है कहीं तो वो शहर औरंगाबाद। आप तमाम लोग काबिले मुबारकबाद हैं, आपने ऐसी लीडरशिप पे भरोसा किया, ऐसी लीडरशिप पे भरोसा किया जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसका नाम है अकबरुद्दीन अवैसी, जिसकी धार से अच्छे अच्छों के पेशाब निकल जाते हैं। अजीज तरीन साथियों, मुझे याद है वो सारे लोग मेरे सामने आज मौजूद हैं, वो नौजवान जो बच्चे थे, मैं उन सब का नजारा कर रहा हूं, यहां देख रहा हूं उन लोगों को। अरे बच्चा नींद के 2013-14 में जब हम लोग इस गलियों के अंदर घूमते थे तो कुछ लोग चबूतरे से खड़े रह के कहते थे ये जावेद कुरैशी जज्बाती पागल है। मैं देख रहा हूं वो नजारा कि 2013 में इन गलियों के अंदर हम फिरते थे, वो सारे लोग आज मेरे चेहरों के सामने नजर आ रहे हैं। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का उन्होंने दामन छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा। वो सारे नजारे आज मुझे वो याद आ रहे थे 2013 में हम जिस तरीके से घूमते थे, जिस सीढ़ी के ऊपर चढ़ के कॉर्नर मीटिंग लिया करते थे, वो नजारे मैं आज देख रहा हूं, वो चेहरे देख रहा हूं और मैं अपना खून बढ़ा रहा हूं कि क्या जज्बा था वो नौजवानों का कि उन्होंने गली गली घर घर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को बख्वा कर दिया। और आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक बड़ी ताकत बनकर आप लोगों के बीच में खड़ी और बड़े बड़े बालियों को ललकार रही है कि आओ हम तैयार, हम तुम्हारी फिरका परस्ती का जवाब देने तैयार है। कांग्रेस के लोग नाकाम हो चुके थे, कांग्रेस के लोगों में हिम्मत नहीं थी कि फिरका परस्ती का जवाब दिया जाए, लेकिन मेरे खायब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिकमत अमली सियासी बसीरत का ये नजारा देख लो आप,
के एमएलए चुन के आ गए, कारपोरेशन में एक बड़ी तादाद चुन के आ गई, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन गया। क्या सियासी बसीरत थी कि बहुजन वंचित अघाड़ी से प्रकाश अम्बेडकर साहब से इसने जो अहम रोल अदा करा, ये वंचित अघाड़ी बहुजन नागा वंचित अघाड़ी और मैयम को अलायंस करने में, तो ये आपके सामने बैठे हैं डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब। बहुत बेहतरीन ऐसी सियासी बसीरत के लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में मौजूद है, तो ऐसी सियासी बसीरत का नजारा करा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और लाखों सलाम दलित भाइयों को, लाखों सलाम, जिन पे हम भरोसा नहीं करते थे कि ये वोट हमको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कतई भरोसा नहीं था। लेकिन इलेक्शन के दिन मैं घूम रहा था, पूरा इलेक्शन के माहौल में घूम रहा था, जब मैं दलित बस्तियों की तरफ जा रहा था और जब उनसे वोट डालने की बात हो रही थी तो वो कह रहे थे जरूर फूटा मेरे दोस्तों, लेकिन दलितों ने जो स्प्रिट बताई, जो इखलास बताया, वो काबिल तारीफ, वो चीज लेना चाहिए हमको। हमको हमने भी उनका इस्तेमाल किया पार्टी में और उनका फैन मकदम किया। आवाज अपने औरंगाबाद की।